तो आइए चलते हैं आज कल की मूवी देखने। वैसे काफ़ी लोगों को जो प्रभास के बहुत बड़े फ़ैन हैं उनको बड़ा इंतज़ार था कल की मूवी का। 600 करोड़ के बजट से बनी है ये मूवी और अभी तक के जो रिव्यूज़ आए हैं उनके मुताबिक मूवी जो है बड़ी ही ज़बरदस्त बनाई गई है और जो ग्राफिक्स का उपयोग किया गया है हॉलीवुड को भी नाग अश्वन जो इसके डायरेक्टर हैं वो जो है मात दे गए हैं। पहली बार कोई साउथ इंडियन डायरेक्टर ने एक इतनी बड़ी बजट की फिल्म जो है बनाई है जिसके अंदर बड़े ही ज़बरदस्त ग्राफिक्स हैं और एनिमेशन का तो आप पूछिए मत, और उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी कल की। तो कल की मूवी आप लोगों को कैसी लगी जल्दी से बताइएगा इस वीडियो के अंदर। और मेरे साथ यहाँ से वेव सिनेमा से अनिल जी हैं, क्योंकि अगर मूवी देखनी हो तो वेव सिनेमा से अच्छा कोई नहीं है। अनिल जी, कैसा रिस्पांस आ रहा है कल की मूवी का, और बड़ा वेट रहता है प्रभास की जब भी मूवी आती है? सर देखिए, आज दूसरा दिन है कल की मूवी का। नियर अबाउट सभी शो 65% अबव ऑक्यूपाइड है। अभी आपके सामने देखिए 11 बज चुके हैं, 11 बजे का शो, ये भी लगभग 60% ऑक्यूपाइड है। तो कल की मूवी को लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस है और मूवी बहुत अच्छी है। ओके, तो अब इस तरह की मूवीज़ आ रही हैं कि लोग आ रहे हैं सिनेमा? हाँ, अब लाइन से मूवीज़ हैं, मूवी अब आ चुकी हैं, जो मतलब ये अगले हफ्ते वो भी आ रही है, अजय देवगन की मूवी है, मतलब हर वीक अच्छी मूवी का दौर स्टार्ट हो गया। तो वेव सिनेमा में हमने देखी कल की, जैसा मूवी से पहले ही एक बताया गया था कि कल की जैसी बड़ी फिल्म आ रही है, मूवी देखने के बाद भी आपको ये लगेगा। और मैं आपको ये बता दूं, जो लोग धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं खास करके महाभारत को, ये मूवी जो है उसी के साथ लिंक्ड है, क्योंकि इसके अंदर जो है अमिताभ बच्चन का एक सबसे बेहतरीन रोल है जो पूरी मूवी के अंदर है, जो कि वो अश्वत्थामा का रोल कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं अश्वत्थामा जो है अजर हैं और उनको जो है अभी भी कहते हैं कि धरती के ऊपर मौजूद हैं, और कल्कि अवतार की भी इस फिल्म के अंदर जो है बात की गई है। ज़्यादा सस्पेंस में नहीं तोड़ूंगा, लेकिन आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। प्रभास उनके लिए तो क्या ही कहें, ज़बरदस्त एक्टिंग है प्रभास की, लेकिन इस पूरी मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन का जो है रोल सबसे बढ़िया है। दीपिका पादुकोण का भी अच्छा रोल है, ज़्यादा दीपिका पादुकोण नहीं बोली है लेकिन रोल बड़ा अच्छा है। साथ ही में दिशा पठानी का भी थोड़ा रोल है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो कल की मूवी जो है एक सुपरहिट मूवी है। जो 600 करोड़ रुपया नाग अश्विन ने इस मूवी के ऊपर लगाया है, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने लगाया है, उनकी माने तो ये मूवी के देख के पूरा पैसा वसूल है। और सेकंड टाइम वॉच ये मूवी बनी हुई है, इसीलिए आप भी आएँ वेव सिनेमाज और इस मूवी का मज़ा लें, कल की मूवी। जिन लोगों को इंतज़ार था कल की मूवी का वो तो ज़रूर देखें। और मैं आपको बता दूं कि कल की मूवी के अंदर प्रभास अमिताभ बच्चन का सबसे बेहतरीन रोल है, और अमिताभ बच्चन इस पूरी मूवी के अंदर आपको जो है बिल्कुल भी नहीं बोर होने देंगे। ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी अच्छी बनाई गई है, और अगर हम बात करें तो 4 स्टार तो इस मूवी को मिलने ही चाहिए, और ओवरऑल जो रेटिंग्स मूवी की आ रही हैं वो बहुत बढ़िया आ रही हैं। इसीलिए आप जल्दी आइए वेव सिनेमाज़ में देखने कल की मूवी।